प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद बाजार पत्रिका अखबार को दिया इंटरव्यू में दादरी की घटना पर खुलकर बात की है। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि दादरी की घटना या पाकिस्तान गाय के विरोध की घटना दुखजनक है और जिसकी केंद्र सरकार निंदा भी करती है। भाजपा भी इस तरह की घटना का विरोध करती है। बीजेपी ने हर समय धर्म निरपेक्षता का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं में केंद्र की आखिर क्या भूमिका है। बातचीत से इसका समाधान निकल सकता है। पीएम ने कहा कि विपक्ष लगातार भाजपा पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान आखिरकार अब दादरी घटना पर चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में केंद्र का कोई हाथ नहीं है। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भी हमेशा से ही बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लग रहे हैं, जो सही नहीं है। तो वही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आखिर ऐसी घटनाओं में केंद्र की क्या भूमिका है, इस तरह के सवाल वो जानना चाहते हैं। जी हाँ, इस तरह के सवाल का जवाब पीएम मोदी जानना चाहते हैं। और एक बार एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इन सभी बातों का जिक्र किया, कहा कि दादरी घटना बहुत दुखद है और बीजेपी इसकी निंदा करती है।